पूर्वी पंजाब में बादल गरजे और फिर खूब बरसे। प्री मानसून ने रंग जमा दिया। चौथरवर शहीद, भक्कर, चिश्तियां समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। दुनियापुर, रोहिणियावाली, लैया और मिंचनाबाद जलथल एक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्तान में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। गर्मी की सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे, किसान भी खुश, कहते हैं बारिश से फसलें बेहतर हो जाएं। होटल से बाहर आ गया लोड शेडिंग का जिन। गोहिर सलेमान के कवायली इलाके बिजली गायब रहने लगी कई कई दिन। फोर्ट मनरो और बवाटा में 22-22 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग। मुतादिद इलाकों में कई कई दिन बिजली की सप्लाई बंद रहने लगी। आवाम लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पैनल सूबाई शाहरा, कोयटा रोड, खड़पवाटा को ब्लॉक करके मैपको के खिलाफ नारेबाजी। उधर मुल्तान की ताजर बरादरी लोड शेडिंग पर मैपको से नाला। अरबाब इख्तियार से गैर इलानी लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। महंगाई में पिसे अवाम को धोबी पटका। हुकूमत का एक बार फिर 440 वोल्ट का झटका। नेफ्ट ने बिजली 1.55 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी। कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में 3 माह के लिए हुआ। बिजली पर फी यूनिट मिलने वाला 5 रुपये का रिलीफ भी खत्म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के सार्फिन को रिलीफ दिया था। पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद। चिश्तियां में 50% से ज्यादा गाड़ियां हो गई बंद। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर महंगाई की दुहाई देने लगे। उधर बहावलनगर में रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान, काम मुतासिर, कहते हैं गरीब आवाम और सफेदपोश महंगाई की चक्की में पिस रहा है। कारोबार में जब 150 में पेट्रोल था उस टाइम बहुत अच्छा सवारी बैठता था। अभी सवारी को बुलाते हैं वो 40 रुपए मांगते हैं तो बोलते हैं 20 रुपए देते थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाया महंगाई। गाड़ी कैसे चलाएं हर कोई देने लगा दुहाई। पेट्रोल डलवाने की परेशानी भी बढ़ गई। गाड़ी की फ्यूल एवरेज को बेहतर बनाने के मुफीद मशवरे बुलेटिन का हिस्सा। जनूबी पंजाब के आवाम की दुहाई, सब खुशियां खा गई महंगाई। मुल्तान, लैया, शुजाबाद और खानपुर में आवाम सराफा एहतजाज। ताजर बरादरी की भी शदीद नारेबाजी। हुकूमत से कीमतों में इजाफे को फौरी वापस देने का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई गुलाम मुस्तफा चौहान की भी तनकीद। बजट में लफ्जों के हेर फेर को मुस्तरद कर दिया। जनूबी पंजाब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आटा की हर वक्त होगा दस्तियाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज मुतारिफ। आवाम को आटा चीनी समेत अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। स्टोर्स पर मॉनिटरिंग के लिए सर्विस कैमरे नस्ब। डॉलर का रेट हो गया ओवर रेट। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 208.50 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर। पुराने पाकिस्तान में डॉलर 26.49 रुपये महंगा हो चुका। रहीमयार खान का किसान नैपको की ओवर बिलिंग से परेशान। नैपको का किसानों पर बड़ा जुल्म। ट्यूबवेल बिलों में ओवर यूनिट का बोझ ला दिया। किसानों के वक्त की ऐसी नैपको से मुलाकात। ओवर बिलिंग की शिकायत की एससी शेख अब्दुल अजीज की शिकायत दूर करने की यकीन दहानी। जनूबी पंजाब के कारोबारी हजरात के लिए बड़ी खुशखबरी। डीजे खान की सरजमीन पर भी इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने का फैसला। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का दफ्तर आइंदा वाले साल कायम किया जाएगा। बजट में इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए 17.5 करोड़ रुपये मुख्तस। जनूबी पंजाब में जिमनी इलेक्शन की तैयारियां। नाराज हो गए कप्तान के खिलाड़ी। टीवी 217 से सबक यूसी चेयरमैन नासिर भुट्टा पीटीआई छोड़कर नून लीग में शामिल। सलमान नईम की हिमायत का भी ऐलान। सबक तहसील अफसर शाह गिलानी की भी तहसील सदीक बलोच ग्रुप छोड़कर नून लीग के तरीन ग्रुप में शमूलियत। उधर मिंचनाबाद पीपी 237 में मियां फिदा हुसैन भट्टू को नून लीग का टिकट जारी। लैया के सूबाई हलका 282 में जिमनी इलेक्शन। आजाद उम्मीदवार मलिक रियाज करवा की बड़ी कामयाबी। जमाती इस्लामी के उम्मीदवार दस्तबरदार आसिम गुज्जर, साबिक एमपीए चुबारा अस्कर गुज्जर ने मलिक रियाज करवा की हमायत का ऐलान कर दिया।
वफाकी वजीर सनत मखदूम सैयद मुर्तजा महमूद की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुर्तजा महमूद ने इंडोनेशिया दौरे पर ब्रीफिंग दी। दूसरी जानब जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी की मुलाकात। जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। बेसहारा बच्चों को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना। कमिश्नर की जर कफालत बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर गपशप। बच्चों को दिलचस्पी से पढ़ने और मुल्क का नाम रोशन करने की तलकीन। लैया में तालिबात को कारोबार की जानिब राग़िब करने के लिए सेमिनार। जिस यूनिवर्सिटी लाहौर लैया एम्स कैंपस में तकरीब हुई, दरअसल यूनिवर्सिटी मुल्तान में एक आगाही सेमिनार हुआ। माहरीन ने खुशहाली और हंगामी इकदाम बारे सिफारिशात पेश की।